जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाबू व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी लेट हो गया। इस वक्त टाइम हो रहा है 8:10 और आज वीडियो लेट शूट की जा रही है और उसकी वजह यह है कि आज कुछ बिजी होने की वजह से वीडियो में शूट नहीं कर सका। तो अभी टाइम मिला है तो अभी वीडियो शूट कर रहे हैं और आज जो एक अहम प्रोडक्ट है उसके बारे में मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। यकीनन जो यूट्यूबर हैं या जो भी फ़ोटो शूट करते हैं, मूवी मेकर हैं, उनके लिए ये बहुत अहम प्रोडक्ट है और वो है लाइट। अगर लाइट ना हो तो वीडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। कहीं अंधेरा होता है तो वहाँ लाइट की ज़रूरत होती है और कोई ऐसी लाइट हो कि जिसका कह सकते हैं कि ख़र्चा भी कम हो और दूसरा उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। तो आज हम जो लाइट आपके साथ जिस लाइट की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे वो एक ऐसी ही लाइट है, ये देख सकते हैं, ये हमने आज ही ख़रीदी है। बिल्कुल छोटी सी लाइट है और इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी बेहतर है। क्योंकि अक्सर मैं वीडियो शूट करता था तो काफ़ी अंधेरा आता था। जो मेरा दूसरा चैनल है बाबू टेक जोन, उसके लिए क्योंकि पता है कि होम बेस पे वीडियो शूट होती है और अगर वहाँ लाइट हो तो आपको जो क्लियर जो है ना सब कुछ नज़र आता है। और इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक लाइट खरीदी जाए और ताकि आप एक स्टैंड ख़रीदने के बजाय, क्योंकि मैंने एक बाज़ार से स्टैंड भी पता किया था लाइट का, लेकिन वो 3,350 का बता रहे थे। वो उसके साथ एक लाइट थी छोटी सी और साथ स्टैंड भी था, लेकिन वो फिर मैंने नहीं ख़रीदा। मैंने क्या देसी जुगाड़ लगाते हैं, देसी जुगाड़ लगाया, स्टैंड जो ऑलरेडी मेरे पास था तो एक लाइट खरीदी है। इसकी जो कीमत है वो 500 से 700 तक आप, मतलब इसलिए 500 से 700 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ रेट है। तो आप कहीं से भी लाइट ख़रीदेंगे तो 500 से 700 के दरमियान आपको ये लाइट मिल जाएगी। तो ये लाइट की जो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ये 50 वाट की है और इसकी रोशनी वो बहुत कमाल है। अब हमारे साथ आज मौजूद हैं मियाँ मोहम्मद लईक साहब, लईक इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग, इनका चैनल है, आप बखूबी जानते हैं। तो मैंने इनको अभी कॉल करके बुलाया है कि ये मुझे जो लाइट की फ़िटिंग है वो करके दें, क्योंकि लाइट तो ले आया था लेकिन उसके साथ जो केबल वगैरह अटैच करनी है, क्योंकि कहीं अगर दूर भी लगानी पड़े तो हम बआसानी उसको वहाँ मूव कर सकें। तो अभी उसके साथ केबल की अटैचमेंट करनी है और दूसरा उसका जो मेन स्विच है वो स्विच भी लगाना है ताकि डायरेक्ट तारे लगाएं और ही ना काम पे आ जाए, वो हमने काम नहीं करना। साथ जो है ना स्विच भी लगाते हैं तो ये काम मैंने तो करना नहीं क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो मियाँ साहब हैं वो हमें इसका जो मुकम्मल प्रोसेस है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमें इसका प्रोसेस है वो बता दें ताकि मैं भी नेक्स्ट टाइम खुद लगा सकूँ और आप भी नेक्स्ट टाइम अगर ये छोटा मोटा काम आपको करना पड़ जाए तो बआसानी आप कर सकें। तो अभी हम प्रोसेस शुरू करते हैं और लाइट आपको मुकम्मल उसकी जो मेंटेनेंस और जो मुकम्मल उसकी जो तार वगैरह लगानी है, जो मुकम्मल प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो बैक कैमरे पे आ जाते हैं जी। तो लईक भाई माशाल्लाह आ चुके हैं सामने, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लाइट की जो मुकम्मल है इंट्रोडक्शन वो भी आपके साथ कराएं। अगर आप ख़रीदना चाहें तो वो भी आप बआसानी कितने की ख़रीद सकते हैं वो भी आपको बताते हैं। जी लईक भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाबू व्लॉग एंड इन्फो के प्लेटफार्म से हम आज आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो मैं मौजूद जनाब मियां मोहम्मद लईक अहमद, लईक इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग हमारा चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक भी करें और हमारे चैनल का विज़िट करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिल सके। तो आज हम आपको इस ये लाइट है हमारे पास मौजूद है, ये 50 वाट की लाइट है, 50 वाट की लाइट है, आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी लाइट है, इसकी बहुत अलग रोशनी है। ये बाबू लेके आया तो मैंने कहा इसने बुलाया तो हम इसको लगा भी देते हैं। तो इसको कैसे लगाना है, कौन सी तार है, किस तार पे ये चल सकती है, ये इसके बारे में आपको बताते हैं। तो आए हम आपको बताते हैं। तो इसके ये 3 कनेक्शन होते हैं, इस ये 3 फेज नहीं होती, 3 तारों वाली हमेशा 3 फेज तो नहीं होगी, 3 वायर वाली। तो ये जो पीली तार होती है हमेशा अर्थ की तार होती है। तो ये न्यूट्रल है, ये फेस है इसका, कहाँ पे मर्जी आप कौन सी तार लगा दें ये चल भी सकती है। तो हमारे पास ये तार मौजूद है, सिर्फ ये इसी तार पे चल सकती है क्योंकि रोशनी आला है और बारीक तार पे ये चल सकती है क्योंकि ये कम से कम बिजली खाएगी, बहुत कम खाएगी। अगर आपने 100 वाट के घर में बल्ब लगाया होगा जो पहले लगाते थे, तो वो बल्ब ये 2 चले और वो एक चले तो एक बराबर है, लेकिन
वो अगर 10 चले तो रोशनी उतनी नहीं है जितनी इसकी अकेले की है। तो इसको लगाने का तरीका ये है, ये तारा हम न्यूट्रल पे लगा रहे हैं सबसे पहले। ये आप घर पे खुद लगा सकते हैं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये सलूशन टेप है, तो ये उसाका कंपनी की है, सबसे अच्छी वैसे होती है। बहुत बहुत कंपनियां वैसे भी अच्छी टेप हैं, बहुत बहुत कंपनियों की, लेकिन ये भी अच्छी टेप है और बहुत अच्छी टेप है। तो हमेशा तार को जो है ना वो जोड़ लगा के इस तरह टेप नहीं करनी, क्योंकि जोड़ वो अलग अलग रहता है। तो इसको ऐसे जोड़ लगा के, तो इसका ज्वाइंटिंग करने का तरीका हमेशा यही होना चाहिए। तो कभी भी तार में जो है ना जोड़ में फॉल्ट नहीं होगा, ना जोड़ जो है ना फ्यूज होगा। तो ये तार जो है ना इसके आप आगे टेप कर दें तो बेहतर यही है, ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई नुकसान नहीं है। तो इसके बाद हम ये स्विच लगाएंगे। इसका इस साइड पे पेज होता है, इस साइड पे नाट होता है। तो ये पेज और नाट इसको हमेशा जो है ना टेस्टर से खोलेंगे हम। तो इसके बाद ये हमारे पास तार मौजूद है, इसको आगे से प्लास आपके पास मौजूद हो तो उससे, नहीं तो आपका मुंह तो इसके लिए है ही है ना। तो अगर आपके देसी जिगाड़, उसे कहते हैं देसी जिगाड़। आज अगर को आपके पास नहीं है ऐसा कोई सिस्टम तो आप देसी जिगाड़ लगा के मुंह के साथ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि कोई सामान साथ रखें, ऐसे देसी जिगाड़ ना लगाएं। देसी जिगाड़ ना लगाएं क्योंकि कल को चलती हुई बिजली में भी आप मुंह में तार डाल सकते हैं, उससे ग्रेज करें। तो आप जो हमेशा जो है ना तार को प्लास से ही छीला करें। तो ये इसका स्विच लग गया है, तो इसकी तारें ऐसे लगानी है लगा के। तो उसके बाद जो है ना इसको इसको लगाने का तरीका यही है कि जैसे हमने इसे खोला है वैसे ही हम लगाएंगे। सबसे पहले इसका ये दोनों साइड जो होती है ना, ये वाली और ये वाली, ये हमेशा एक जैसी होती हैं। जिस साइड पर मर्जी हम नट और पेज मिल सकते हैं, ये इसका पेच है और ये इसका नाट है। तो दोनों हम जिस साइड पर मर्जी लगा के हम इसे टाइट कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइट तैयार हो गई है। तो अब हम इसे आपको चलाकर बताते हैं कि इसे कैसे चलाएं। इसके पीछे स्टैंड भी मौजूद है, आपने ऐसे रोशनी डालनी है, ऐसे डालनी है या ऐसे। तो जैसे भी आपने रोशनी डालनी है जहाँ पर आप बैठे हैं तो वहीं भी आप डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास मौजूद है एक स्विच और एक सॉकेट। तो ये स्विच हम इसमें लगा कर चेक करते हैं कि ये चलती है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आला रोशनी के साथ आप देख सकते हैं कि बहुत आला रोशनी के साथ ये चल गई है। तो ये लाइट बाबा जी आप दे ले करो कैसे व्यू आ रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये लाइट कितनी आला है, और 50 वाट की लाइट है, इसकी रोशनी देखें। अगर 100 वाट के आप 5 बल्ब भी लगा लेंगे तो इतनी रोशनी नहीं हो सकती। तो आप देख सकते हैं इस लाइट की रोशनी। तो ये लाइट ऑन हो गई है। तो मेरी बाबू भाई से रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे दोस्त इन्हें टाइम मांगते हैं इनसे कि हमें टाइम दें, तो ये टाइम नहीं देते। तो मेरी रिक्वेस्ट है इनसे कि ये अपने दोस्तों को टाइम दिया करें, क्योंकि ये बहुत बिजी आदमी है। तो दोस्त इससे बहुत ज़्यादा टाइम मांगते हैं तो, और बहुत मिन्नतें करते हैं इनकी, तो फिर भी ये टाइम नहीं देते। तो बाबू भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत दिली रिक्वेस्ट है कि आप टाइम दिया करें, हमें भी दिया करें और दोस्तों को भी दिया करें। हमें तो आप काफ़ी वीडियो में दे चुके हैं टाइम, तो अब भी आप हमारे दूसरे दोस्तों को भी टाइम दें। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो हम जा रहे हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो भाई की वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें, तो विजिट भी करें। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइट लग चुकी है, इसका जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं। अभी ये अपनी जगह फिट नहीं है ना, जब इसको प्रॉपर हम सेट करेंगे तो इसकी जो मेजरमेंट करके बाकायदा उस हिसाब से सेटिंग करेंगे कि जो लाइट है वो डायरेक्ट फेस पर पड़े। अब तो लाइट कह सकते हैं कि बिखरी हुई है। तो इसका जो कलर है वो येलो है, येलो आपको पता है कि उसका जो कुछ व्यू कुछ और है। हम इसके साथ कोशिश करेंगे कि एक वाइट लें, जब वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन होगा तो माशाल्लाह बहुत कमाल होगा। ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होगा वो वाइट का ही होगा।
तो इसके साथ हम जो वाइट जब लाइट करेंगे तो ज़बरदस्त हो जाएगा और आपको व्यू माशाल्लाह कमाल का नज़र आएगा। तो इसी के साथ आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए ताज़े फ्रेश व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।